रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले पर हमला किया गया था। जानकारी के मुताबिक हाल ही में उनके एक यात्रा के दौरान उनके काफिले पर विस्फोटकों से हमला किया गया। एक कार ने पुतिन के काफिले में आग की गाड़ी को रोका, जबकि दूसरी कार काफिले के चारों ओर घूमने लगी और रूसी राष्ट्रपति को ले जा रही गाड़ी पर विस्फोटक फेंक दिया। जनरल SVR टेलीग्राम चैनल के हवाले से एक्सप्रेस UK की रिपोर्ट में बताया गया है कि पुतिन अपने घर के रास्ते पर थे, तभी कुछ किलोमीटर दूर काफिले की पहली एस्कॉर्ट कार को एक एम्बुलेंस ने रोका। दूसरी एस्कॉर्ट कार बिना रुके इधर उधर चली गई। इसके बाद तीसरी कार के सामने के बाएं पहिए से तेज धमाके की आवाज़ आई। इसी कार में पुतिन थे। तेज धमाके की आवाज़ के बाद धुआं आने लगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस हमले के बावजूद पुतिन अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंच गए हैं। जी हां, आपको बता दें, हमले की ये खबर ऐसे समय सामने आई जब रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी कब्जे से हाल ही में मुक्त कराए गए शहर इजियम का बुधवार को दौरा किया और इसे अपने कब्जे में लेने को लेकर किए गए प्रयासों के लिए सैनिकों का अभिनंदन किया। इजियम का अधिकांश हिस्सा तबाह हो गया है। अपार्टमेंट इमारतें आग की लपटों से निकले धुओं से काली हो चुकी हैं और बीच बीच में तोपखानों के हमलों से हिल चुकी हैं। ज़ेलेंस्की ने प्रेस से संक्षिप्त बातचीत के दौरान कहा कि यह दृश्य बहुत चौंकाने वाला है, लेकिन यह मेरे लिए चौंकाने वाला नहीं भी है, क्योंकि हमने बुचा से वही तस्वीरें देखनी शुरू की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।